हेलो बच्चों, दिस इज डॉक्टर स्निग्धा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन कैम फोकस। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक। ये फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपसे कहा था क्लास 11th में फिजिकल केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है और थर्मोडायनेमिक्स, ये दो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आता है। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आप अगर एक बार अच्छे से केमिस्ट्री में पढ़ लेते हो ना थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट को, तो आप फिजिक्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ही जगह पे ये चैप्टर आएगा। कोई सी भी कंफ्यूजन आपको ना हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ो। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही ईजी आएगा, डुएबल आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को नहीं सीखोगे ना, तो आपको एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन इजी आते हैं, जहां जहां फॉर्मूला याद करने वाला होगा मैं आपको बताऊंगी आफ्टर डेरिवेशन क्या क्या फॉर्मूला आपको याद रखना है, लेकिन हर एक चीज को ठीक से समझते जाना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात है कि हम स्टडी कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में किसकी स्टडी करनी है। थर्मो इज हीट, है ना, डायनेमिक्स का मतलब इन मोशन। तो आप बेसिकली हीट के ट्रांसफर की स्टडी कर रहे होते हो, हीट अब्सॉर्ब हो रहा है, हीट का लॉस हो रहा है, इसकी स्टडी हम करते हैं, कितना हीट अब्सॉर्ब हुआ, कितना हीट लॉस हुआ। ठीक है, ये सारी स्टडी हम करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोकेमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था, जो भी हीट चेंजेस एसोसिएटेड थी विद अ केमिकल रिएक्शन वो हमने सीखा था थर्मोकेमिस्ट्री में। थर्मोडायनेमिक्स में आपको सीखना है एक प्रोसेस से, कोई सा भी प्रोसेस हो, ठीक है, उस प्रोसेस से एसोसिएटेड हीट चेंजेस क्या होंगे। ठीक है ना, ओके। तो सबसे पहले मान लो मेरा ये है एक कंटेनर, ठीक है ना, इस कंटेनर की आप स्टडी करने जा रहे हो, ये कितना हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है या फिर कितनी हीट एनर्जी को ये लिबरेट कर रहा है, उसकी हमें स्टडी करनी है। तो ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को हम बोलेंगे सिस्टम। आप जिस पार्ट की स्टडी कर रहे होते हो उसे आप सिस्टम बोलते हो। ठीक है, ओके। अब इस कंटेनर को मैंने रखा है इस रूम में, तो ये जो रूम है, ये पूरा रूम इस सिस्टम का सराउंडिंग कहलाएगा। ये जो सिस्टम है वो इस सराउंडिंग में हीट एनर्जी को लिबरेट कर सकता है या फिर सराउंडिंग से हीट एनर्जी को गेन कर सकता है। तो दिस इज आवर सिस्टम, दिस कंटेनर इज आवर सिस्टम। ये पूरा जो रूम है ना, एक्सेप्ट दिस कंटेनर, वो सराउंडिंग है, और सिस्टम प्लस सराउंडिंग इनको एक साथ मिलाकर हम कहते हैं यूनिवर्स। हमारे लिए, हमारी स्टडी के लिए यूनिवर्स बस इतना ही है, ये कंटेनर और ये रूम दोनों मिलाकर हो जाएगा यूनिवर्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सिस्टम अ स्मॉल पोर्शन ऑफ यूनिवर्स हमने सीखा, इन विच वी कन्फाइन आवर स्टडी। ओके, सराउंडिंग क्या है, That part of remaining universe that can interact with the system. मतलब इस रूम की इंटरेक्शन हमारे इस कंटेनर से हो ही सकती है, ऑब्वियस बात है। ये जो कंटेनर है वो रूम से ही तो हीट एनर्जी गेन करेगा या फिर रूम को हीट एनर्जी सप्लाई करेगा, है ना। तो दैट पार्ट ऑफ रिमेनिंग यूनिवर्स दैट कैन इंटरैक्ट विद द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम क्या कहते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसे हम कहते हैं यूनिवर्स, इसे हम कहते हैं यूनिवर्स। ठीक है, सिस्टम तीन तरह के होते हैं बच्चों, हमें सिस्टम से मतलब है। सिस्टम जो है वो तीन तरह का होता है, एक होता है क्लोज्ड, एक होता है ओपन सिस्टम और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। लेट्स सपोज ये एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में पानी रखा हुआ है आपने और उसे हीट कर रहे हो, फाइन। अब आपको पता है ना क्या होगा, ये जो पानी है वो धीरे धीरे वेपर बनकर ऊपर चला जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद सेकेंड केस अज्यूम करते हैं, सेकेंड केस में क्या कर रहा है कि हमने एक फिर से कंटेनर लिया, ये जो कंटेनर था ना, ये वाला कंटेनर, इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है, और इसमें क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया है, पानी डालकर इसको बंद कर दिया है, लिड क्लोज कर दिया है, ठीक है, हीट कर रहे हैं। अब आपको पता है क्या, इस बार क्या होगा, इस बार जो वाटर वेपर है वो यहां पर इकट्ठा हो जाएगा, बाहर तो एस्केप नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम कंटेनर को बंद कर दिए हैं। ठीक,
ये ध्यान रखो कि मैंने यहाँ पर जो वॉल बना कर रखा है, ये जो कंटेनर का वॉल है, कंटेनर का जो वॉल है, ये वॉल कंडक्टिंग है, मतलब किसी मेटल का बना हुआ है, किसी अच्छे कंडक्टर का बना हुआ है, ठीक है। तो ये है कंडक्टिंग वॉल, कंडक्टिंग, फाइन, ओके, कंडक्टिंग। एक और कंडीशन देखते हैं, मैंने गर्म पानी लिया और उस गर्म पानी को मैंने रख दिया एक थर्मोस फ्लास्क में, गर्म पानी लिया उसको मैंने रख दिया है थर्मोस फ्लास्क में, और थर्मोस फ्लास्क के बारे में जानते हो क्या होता है? थर्मोस फ्लास्क का जो वॉल होता है ना, वो बिल्कुल इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड का मतलब है कि हीट एनर्जी बाहर नहीं जा सकती है, ना ही अंदर आ सकती है, ओके। सो दिस वॉल इज इंसुलेटेड। अब थोड़ा देखते हैं क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट केस में जब आप पानी को हीट कर रहे हो तो वॉटर वेपर बाहर एस्केप हो रहे हैं, है ना। इसका मतलब है ये जो हमारा सिस्टम है, ये सराउंडिंग में वॉटर वेपर को भेज रहा है। जब वॉटर वेपर एस्केप होंगे तो वो अपने साथ एनर्जी भी तो ले जाएंगे ना। इसका मतलब है ये पहला वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक्सचेंज करता है एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग। एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विथ सराउंडिंग, ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विथ सराउंडिंग। चलो इधर आते हैं। कंडक्टिंग वॉल है और लिड ऊपर ऊपर से क्लोज्ड है, इसका मतलब है वॉटर वेपर बाहर तो एस्केप नहीं कर सकता। इस बार क्या होगा, कभी भी वॉटर वेपर बाहर एस्केप नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि मैटर बाहर नहीं जा रहा। लेकिन क्योंकि ये वॉल कंडक्टिंग है, जो ये आपने रखा है ना, ये कंडक्टिंग है, इस यूटेंसिल की वॉल कंडक्टिंग है, दैट्स व्हाई हीट एनर्जी अंदर से बाहर एस्केप हो जाएगी। तो हीट एनर्जी बाहर एस्केप हो रही है। आपको पता है ना, हीट हमेशा ट्रांसफर होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर रीजन। तो इसका मतलब है इस केस में होगा क्या, इस केस में ये जो सिस्टम है वो एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विथ द सराउंडिंग, ठीक है, ओके। इधर आते हैं। इस बार तो आपने जो वॉल रखा है वो कैसा रखा है, इंसुलेटेड रखा है। और इंसुलेशन का मतलब ही क्या होता है बच्चों, इंसुलेटेड, इंसुलेटर का मतलब है वो जो एनर्जी को, जो हीट एनर्जी को ट्रांसफर ना होने दे। तो ये जो आपका वॉल बना हुआ है ना, ऐसे गोल गोल सा वॉल बना दिया है मैंने, वो जो वॉल है वो हीट एनर्जी को बाहर नहीं भेजेगा, वो हीट एनर्जी को बाहर ट्रांसफर भी नहीं होने देगा। एज अ रिजल्ट अंदर में पानी तो पूरा ही क्लोज्ड कंटेनर में प्रेजेंट है, तो कभी भी मैटर तो बाहर एस्केप नहीं करे, वॉटर वेपर तो बाहर एस्केप नहीं किया, है ना। लेकिन इस बार एनर्जी भी एस्केप नहीं करा, एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हुआ, एनर्जी की भी ट्रांसफर नहीं हुई, ठीक है। तो डज नॉट, ये वाला जो सिस्टम है, डज नॉट एक्सचेंज मैटर और एनर्जी विथ सराउंडिंग, ओके, ठीक है। फर्स्ट काइंड ऑफ जो सिस्टम आपने देखा उसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। ये हीट को और मैटर को दोनों को ही एक्सचेंज करती है। सेकेंड जो है उसे हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम, और जो लास्ट वाला है उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड। ये हर तरह से आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड सिस्टम, ना ही हीट एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है, ना ही मैटर को एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है, ओके। अब बात आती है बाउंड्रीज की। तो बाउंड्रीज क्या होते हैं, ये वो पार्टीशन है बिटवीन, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करना होता है। तो यहां पर देखो, फर्स्ट केस में इस वाले रीजन में तो कोई बाउंड्री नहीं है ना, यहाँ पे ऐसा कोई बना हुआ बाउंड्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हाँ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा सिस्टम है और बाहर में सराउंडिंग है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये पोर्शन इमेजिनरी बाउंड्री की तरह बिहेव कर रहा है।
तो एक ओपन सिस्टम क्योंकि खुला रहता है, ऊपर में कोई बाउंड्री डिफाइंड नहीं होती है, दैट्स व्हाई ओपन सिस्टम को आप बोलते हो, एक ऐसा सिस्टम जिसकी बाउंड्री इमेजिनरी है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहां पर होता है इमेजिनरी बाउंड्री। क्लोज्ड सिस्टम में कौन सा बाउंड्री होता है? कंडक्टिंग, क्योंकि आपको क्या करना है, एनर्जी का ट्रांसफर कराना है, दैट्स व्हाई यहां पर आप बोलोगे कंडक्टिंग बाउंड्री। और लास्ट केस में, आइसोलेटेड केस में हम कहते हैं इंसुलेटेड बाउंड्री। ठीक है, ओके। अब है एक टर्म इंटरनल एनर्जी, फाइन, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का सिंबल होता है कैपिटल यू, ओके। और इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं? सम टोटल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम, सम टोटल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम, ओके। ठीक है, अब आपको ये पता है कि एक सिस्टम में बहुत तरह की एनर्जी हो सकती है। हम इनफैक्ट ये भी अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं कि कितनी तरह की एनर्जी होती है। तो एक सिस्टम में कितनी सारी एनर्जीज है ये तो डिफाइन कर पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी एक सिस्टम का कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंस और चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो सपोज अभी एक सिस्टम की जो भी इंटरनल एनर्जी है, थोड़ी देर के बाद क्या है, ये डिफरेंस हम बस पता कर सकते हैं। ठीक है, ओके। डिफरेंस कैसे मालूम करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। एग्जैक्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ओके। तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ यू ऑफ अ सिस्टम कांट बी कैलकुलेटेड। तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ यू, ठीक है, और चेंज इन वैल्यू ऑफ यू कैन बी कैलकुलेटेड, फाइन। हमें सीखना है अभी कुछ साइन कन्वेंशन। कभी भी एक सिस्टम पे काम होना, कभी भी एक सिस्टम पे वर्क डन हो, तो हम उस वर्क डन को पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसे हम कहते हैं प्लस डब्ल्यू। हमेशा पॉजिटिव साइन से आप रिप्रेजेंट करोगे वर्क डन ऑन द सिस्टम। कभी भी अगर सिस्टम काम करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर आपका सिस्टम काम कर रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। तो सिस्टम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सिस्टम पे काम होगा तो प्लस वर्क डन, पॉजिटिव वर्क, सिस्टम को काम करना पड़े तो नेगेटिव वर्क, ओके। अब आता है हीट। तो एक सिस्टम अगर हीट गेन करेगा तो आप कहोगे प्लस क्यू, पॉजिटिव साइन, ठीक है। और अगर एक सिस्टम हीट लॉस करता है तो फिर हम बोलते हैं माइनस साइन। सो हीट गेन्ड बाय द सिस्टम, इसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा साइन? प्लस क्यू, ओके। हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, सिस्टम अगर हीट लूज करेगा तो फिर हम कौन सा साइन बोलेंगे? माइनस साइन बोलेंगे, माइनस क्यू, ओके। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन हम समझ गए हैं। एक और लास्ट साइन कन्वेंशन है, अगर कभी भी इंटरनल एनर्जी एक सिस्टम की इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो बताओ इंक्रीज हो रहा है ना,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आप क्या बोलते हो, डेल्टा यू बोलते हो, और डेल्टा हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। कभी अगर कोई इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिक बात है फिर उस केस में क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है मतलब फाइनल ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू इनिशियल, इट मींस वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो कभी भी इंक्रीज हो इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो हम बोलेंगे हमारा डेल्टा यू विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, और अगर डिक्रीज होगा इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो क्या बोलोगे, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये सारी है साइन कन्वेंशन। अभी हमें डिफाइन करना है वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन कैसे डिफाइन करें बच्चों, एक मैं अब छोटा सा डायग्राम बना रही हूं आप समझना। ये है एक चेंबर, इस चेंबर में अंदर गैसेस फिल्ड है। ठीक है, यहां पर है पिस्टन, ये वाला पिस्टन है। अब मैंने क्या किया, इस पिस्टन को थोड़ा ऊपर से पुश किया, पुश करने पे क्या होगा, ये जो पिस्टन है ना ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया ये पिस्टन। ठीक है, लेट सपोज ये जो नीचे आया है ये dx डिस्टेंस से नीचे आया है और मैंने जो प्रेशर अप्लाई किया है वो p प्रेशर अप्लाई किया है। ओके, मैंने p प्रेशर अप्लाई किया, पिस्टन dx डिस्टेंस से नीचे आ गया, और लेट सपोज ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये a है। ठीक है, फाइन। अब आप बताओ, आपको पता है ना प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, p इज इक्वल टू f अपॉन a, तो फोर्स कितना आ जाएगा इस केस में, प्रेशर इनटू एरिया, एफ विल बी इक्वल टू पी इनटू ए। ठीक, अब जानते हो वर्क डन किसको कहते हैं, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डीएक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए फिर हम आगे जा नहीं रहे, दोनों जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। ठीक है, ओके, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि dx एक बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब है वर्क डन भी बहुत छोटा हुआ है, जो आपका प्रेशर था वो बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर पाया है, इट मींस वर्क डन बहुत ही कम हुआ है। उस वर्क डन को आप डिफाइन कैसे करोगे, f dx, f डॉट dx कितना आएगा, f को क्या लिखोगे, p into a dx, तो dx ही रहेगा। ये जो ए डी एक्स लिखा हुआ है, ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, डी एक्स डिस्टेंस है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने से आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम, कैसा वॉल्यूम, छोटा वॉल्यूम ऑब्वियसली, तो दिस विल बी इक्वल टू डीवी, आगे तो पी रहेगा ही रहेगा, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, पी डीवी आ रही है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया पी डीवी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड इनटू डीवी। dv क्या है, वॉल्यूम चेंज जो हुआ है बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब साइन की थोड़ी बात कर लेते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अभी हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं सिस्टम पे, हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जब भी कभी सिस्टम पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और वर्क डन अगर कभी ऑन द सिस्टम होगा तो आप वर्क डन को क्या साइन बोलते हो, पॉजिटिव, है ना। सिस्टम कभी काम करता है तो हम नेगेटिव साइन बोलते हैं, सिस्टम पे काम होता है तो हम पॉजिटिव साइन बोलते हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि ये जो नेट इफेक्ट है हम लोगों को वो वर्क डन का कैसा मिलना चाहिए, दिस शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और उसके कारण वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा देखते हैं डीवी। डीवी फाइनल माइनस इनिशियल होगा, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा बता सकते हो क्या, फाइनल वॉल्यूम इस केस में क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम तो ये वाला है, है ना, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, ये पूरा इनिशियल वॉल्यूम है, तो फाइनल वॉल्यूम छोटा है व्हेन कंपेयर टू इनिशियल वॉल्यूम, राइट। इट मींस डीवी की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, फाइनल छोटा इनिशियल बड़ा, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब आंसर कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये डीवी की वैल्यू हो गई है नेगेटिव, पी तो प्रेशर है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो अभी तो गड़बड़ हो गया ना, dw को पॉजिटिव आना चाहिए था, आ कैसा रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और फॉर्मूला में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो नेट फॉर्मूला बनता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का वो होता है माइनस pdv, इसको याद रखना।
स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पीडीबी. ओके ठीक है. नाउ कमिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है कि कभी भी आप एनर्जी को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. तो क्या होगा, एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ओके ठीक है, अब इसको थोड़ा समझना है. ये है एक कंटेनर, फिर से इसमें गैसेस फिल्ड है. इस बार मैंने क्या किया, मैंने नीचे से हीट एनर्जी सप्लाई कर दी. ठीक है, यहां पर था पिस्टन, यहां पे क्या था, पिस्टन. अब जब आप नीचे से हीट एनर्जी सप्लाई कर दोगे तो आपको पता है ना, जो इंटरनली अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है गैसेस के, वो सारे गैसेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि आपने टेम्परेचर नीचे से बढ़ा दिया है. अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वो ज्यादा एनर्जी के साथ कोलाइड करेंगे ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, और जब वो ज्यादा एनर्जी के साथ कोलाइड करेंगे तो आपको पता है जो वॉल ऑफ कंटेनर है, मतलब ये वाला जो वॉल ऑफ कंटेनर है, ये तो चलो फिक्स्ड है, लेकिन यहां पर तो मैंने मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है ना, ये तो है आपका मूवेबल पिस्टन. तो ये वाला जो पार्ट है, जो मूवेबल पिस्टन है, इस पे जब अधिक प्रेशर अप्लाई होगा नीचे से, तो ये पिस्टन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. राइट, तो ये पिस्टन शिफ्ट हो गया है ऊपर की तरफ, ये पिस्टन शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ. ठीक है, पिस्टन ऊपर चला गया. थोड़ा समझना बात को, हमने क्या करा है, हमने हीट एनर्जी को सप्लाई किया है, उसके कारण पिस्टन ऊपर चला गया है. ठीक है, मतलब वॉल्यूम का चेंज आया है कुछ ना कुछ. इस बार बताओ, इस बार सिस्टम पे हम काम नहीं कर रहे हैं, हम सिस्टम पे प्रेशर नहीं लगा रहे, हमने बस हीट करके छोड़ दिया है, अभी सिस्टम काम कर रहा है. ठीक है, जो गैसेस अंदर प्रेजेंट है वो पिस्टन को मूव कर रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में. इसका मतलब इस बार आप क्या बोलोगे, वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम. और वर्क डन कभी भी होता है बाय द सिस्टम, तो उस केस में होता क्या है बच्चा, उस केस में हमेशा ही वर्क डन नेगेटिव होती है. तो सिस्टम पे काम करना मतलब फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज होना, सिस्टम जब काम करेगा तो फाइनल वॉल्यूम बढ़ेगी. ठीक है, जैसे यहां पर देख सकते हो. तो इस केस में सीधा बात हो गया, वर्क इज डन बाय द सिस्टम. ठीक, ओके, मतलब साइन कैसा यूज करोगे, नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा. आगे देखते हैं, हमने क्या करा है, हमने हीट एनर्जी सप्लाई किया है सिस्टम को, सिस्टम को हमने हीट सप्लाई किया है, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम. ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है. अब मान लो आपने सप्लाई किया 10 जूल एनर्जी, 10 जूल. कभी भी सिस्टम वो 10 के 10 जूल ऑफ एनर्जी को यूज नहीं करेगा पिस्टन को ऊपर मूव करने में. सिस्टम क्या करेगा, 10 में से कुछ एनर्जी अपने पास रख लेगा और कुछ एनर्जी की हेल्प से पिस्टन को ऊपर मूव करेगा. तो लेट सपोज 10 एनर्जी जो आपने सप्लाई करी इस पूरे पूरे सिस्टम को, उसमें से 6 एनर्जी ये अपने पास रख लिया और 4 एनर्जी की हेल्प से ये पिस्टन को ऊपर मूव कर रहा है. ठीक है, तो ये काम कितना कर रहा है, 4 की हेल्प से, सभी को जूल में एक्सप्रेस कर दिया. तो 4 तो काम में चला जाएगा, बाकी का जो 6 है वो सिस्टम में रह जाएगा स्टोर्ड. मतलब वो 6 जूल ऑफ एनर्जी क्या कर रहा है, वो 6 जूल एनर्जी जो है वो सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, सिस्टम की खुद की जो एनर्जी है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है 6 जूल एनर्जी.
और बाकी की एनर्जी यूज कर रहा है ये सिस्टम इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम वर्क, ठीक है। तो अभी हम उसे लिख लेते हैं हीट सप्लाई टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। ये दो काम में लग गया है, एक इंक्रीज इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पहला तो ये करेगा। दूसरा काम ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन भी कर रहा है ना, यही एनर्जी तो काम करा रही है सिस्टम से, तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, क्लियर। ओके, अब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी की जो बात है, आप कैलकुलेशन समझना थोड़ा यहां पर, हीट सप्लाई जो मैंने किया वो कितना किया है, एग्जाम्पल मैंने हीट सप्लाई किया लेट सपोज 10, ठीक है, हीट सप्लाई किया है आपने इतना, इसका मतलब इसको क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, काम कितने से वो किया, 4 से काम किया, वर्क डन सिस्टम कर रहा है मतलब आप क्या बोलेंगे, -4, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इट मींस वैल्यू कैसा बोलोगे, +6। ओके, अब इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ये जो काम है हमने हीट एनर्जी सप्लाई करी है 10, दिस इज इक्वल टू सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कितने से कर रहा है, 6 से, और बाकी का कहा गया, बाकी का जो -4 है उसकी हेल्प से वो काम कर रहा है, तो साइन बताओ, साइन की एडजस्टमेंट, अगर मैं पहले से ही वर्क डन को साइन के साथ पुट करूंगी तो मुझे यहां पर माइनस साइन लगाना होगा, तभी तो दोनों साइड बराबर होगा, इसलिए हमारा जो लॉ बनता है, जो इक्वेशन बनती है वो होती है dQ इज इक्वल टू dU, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ऑफ कोर्स वर्क डन जो भी है, वर्क डन तो आप पुट करेंगे ही करेंगे, -dW, जैसे यहां पर हमने क्या किया था, हमने dQ की वैल्यू कितनी पुट करी थी, 10 पुट करी थी, +10, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज कितने का हुआ था, +6 का हुआ था, वर्क डन बाय द सिस्टम कितना था, वर्क डन बाय द सिस्टम को माइनस साइन के साथ लिखा जाता है, तो -4 ये लिखे, लेकिन हमारे फॉर्मूला में ही, फॉर्मूला को ही हमने एडजस्ट कर दिया है, हमने dQ इज इक्वल टू dU -dW लिखा है, सो दैट साइन कन्वेंशन ठीक से फिट बैठ जाए, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला dQ इज इक्वल टू dU -dW है, इसमें dQ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड है, dU इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है, और dW वर्क डन बाय द सिस्टम है। आप कभी भी dQ dU dW की वैल्यू पुट करोगे तो हमेशा साइन के साथ पुट करना, ये इक्वेशन ध्यान रखना, ये जो आपका इक्वेशन है इसी इक्वेशन को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। मतलब हीट जो आपने सप्लाई करा वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर ली, उसका ना ही लॉस हुआ ना ही और एक्स्ट्रा हीट ऐड हुआ, ठीक है, फाइन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप क्या बोलेंगे, dQ इज इक्वल टू dU -dW, ओके, ठीक है। और ऑलवेज इनमें जो वैल्यूज पुट करोगे वो हमेशा साइन के साथ पुट करना, साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए पुट करना, ठीक है, फाइन। एक क्वेश्चन है, अगर आपको दिया रहे कैलकुलेट एनर्जी हीट एनर्जी, कैलकुलेट हीट एनर्जी एसोसिएटेड मतलब सप्लाइड और लॉस्ट विद द सिस्टम, एसोसिएटेड विद द सिस्टम, इफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज 20 joule and work is done on the system,
आप सामने भी लिख सकते हो, एंड 30 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, इस क्वेश्चन में हीट पूछ रहा है, वर्क डन दिया है, इंटरनल एनर्जी में चेंज दिया हुआ है, और हीट इंटरनल एनर्जी और वर्क डन इनमें रिलेशन एस्टैब्लिश करता हुआ सिर्फ सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, वो है फ्लॉट। ठीक है, तो dQ is equal to du माइनस dW, ये हमारा फ्लॉट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वैल्यू पुट करेंगे, dQ तो हमें कैलकुलेट करना है, du की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, du की वैल्यू देखो, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बोल रहा है, तो इंक्रीज को हमेशा आप किससे लिखते हो, प्लस 20, प्लस साइन यूज करते हो, तो हम यहां पर यूज करेंगे प्लस 20। ठीक है, माइनस साइन तो हमारे फॉर्मूला में ही है, ये तो रहेगा ही रहेगा। dW की वैल्यू कितना रखोगे, देखो क्या बोलता है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कितना काम किया गया है सिस्टम पे, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब प्लस 30, तो आप यहां पे बोलोगे प्लस 30। ओके, सो 20 माइनस प्लस 30 दैट इज इक्वल टू माइनस 10 जूल। अब dQ की वैल्यू माइनस 10 आ गई, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, 10 जूल ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट बाय द सिस्टम, आपको ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा, 10 जूल एनर्जी इज गेन्ड बाय द सिस्टम, 10 जूल ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट बाय द सिस्टम, तो इसकी इंटरप्रिटेशन आप क्या बताओगे, इंटरप्रिटेशन होगी 10 जूल ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट बाय द सिस्टम, गॉट इट, ओके।